गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिक्की जीत सर में। आज है 8 मार्च और आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। इसी के साथ चलते हैं आज की अपडेट क्या है। देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा में परचम लहरा रही महिलाएं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी अपडेट। नीट यूजी के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू, आवेदन शुल्क भी बढ़ाया। नीट यूजी 2023 1700 रुपये यहाँ पर फीस कर दी गई हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 7 मई को किया जाएगा। 11 मार्च को करेंगे विधानसभा घेराव, 25,000 प्रबोधक सरकार के खिलाफ लामबंद। INI CET PG के लिए तारीख जारी, परीक्षा 7 मई को होगी, नतीजे 13 मई को जारी किए जाएंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी अपडेट। नीट यूजी 2023 अधिक उम्र तो बेहतर रैंक का नियम समाप्त, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ, टाई ब्रेकिंग नियमों में फिर से परिवर्तन, होगी 20 करोड़ की अतिरिक्त आय। 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं कल से, 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं 16 मार्च से शुरू होंगी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पूरी अपडेट आप यहां पर देख सकते हैं। गार्गी पुरस्कार दूसरी किस्त के लिए आवेदन नहीं कर पाई 62,000 बालिकाएं, जनाधार में पेज के कारण नहीं हुए आवेदन। SSC ने जारी किया नोटिफिकेशन, 5,369 पद, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, हिंदी टाइपिस्ट आदि पदों पर होगी भर्ती। कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग, आप यहां पर देख सकते हैं आयु सीमा क्या रहने वाली है, पात्रताएँ, चयन प्रक्रिया और आवेदन की अंतिम तिथि 27 मार्च 2023 तक। आवेदन शुल्क 100 रुपये हैं। बदलाव, नई वीजा सेवा का ऐलान, अमेरिका में पढ़ाई के साथ नौकरी भी कर सकेंगे छात्र, भारतीय छात्रों को होगा बड़ा फायदा। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, राज्यपाल ने महिला शक्ति को दी बधाई, महिलाओं को शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पेंशन राशि न्यूनतम 1,000 रुपये प्रतिवर्ष 15% बढ़ेगी, राजस्थान के सामाजिक सुरक्षा मॉडल देश भर में की सराहना। 100 मई का जो फेर लगेंगे, राज्य सरकार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाएगी, आप यहां पर पूरी अपडेट देख सकते हैं। IIT दिल्ली में JEE समेत अन्य पदों पर 20 तक कर सकते हैं आवेदन। सहायक प्रोफेसर के 1669 पदों पर अवसर, MPPSC में निकली भर्ती। पैरामेडिकल स्टाफ के 64 पदों पर मांगे आवेदन, 13 मार्च अंतिम तिथि। डिप्टी मैनेजर सहित अन्य पदों पर नोटिफिकेशन जारी, फायरमैन के पदों पर आवेदन आमंत्रित, 15 मार्च अंतिम तिथि। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। आज का चर्चा सुविचार है, शरीर की हिफाजत धन से भी अधिक करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने के बाद धन भी उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। दोस्तों, इसी के साथ आज की अपडेट समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।